नमस्कार, आप देख रहे हैं सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। मैं हूं वैष्णवी कतलकर आपके साथ। आज 13 फरवरी है और वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का। मारे गांव के वडनेर में आजनसरा चौक परिसर में तेज रफ्तार ट्रक ने चीज मंडल के दुपहिया को दी जोरदार टक्कर। इसमें दुपहिया सवार की घटना स्थल पर ही मौत होने की जानकारी है। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि मृतक योगेश भोयर उम्र 22 का सिर बुरी तरह चकनाचूर होकर दिमाग सिर के बाहर आ गया। आधुनिक जगत में जितने तेजी से विश्व विकास की ओर बढ़ रहा है, उतने ही तेजी से गुनाहों के प्रमाणों में भी बढ़त देखी जा रही है। लगातार आत्महत्या, अत्याचार, साइबर क्राइम जैसे अन्य गुनाहों के प्रमाण इन दिनों बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में मारे गांव से एक खबर है कि किन्हाला में एक 5 वर्षीय बच्ची पर डांस सिखाने के बहाने 21 वर्षीय नराधम ने अत्याचार किया। पीड़िता द्वारा घर में जानकारी देते ही उसे निजी अस्पताल में दाखिल करते हुए पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की जानकारी है। वनी समीप चिकल गांव में एक नाबालिग बालिका ने अपने घर में फांसी लगा करके आत्महत्या। घर में कोई न होने का फायदा उठाते हुए बालिका ने यह कदम उठाया। जानकारी है कि कुछ महीनों पहले गांव के एक युवक से उसके प्रेम संबंध जुड़े और उस दौरान युवक ने उस पर अत्याचार किया। इसकी शिकायत पुलिस थाने में दी गई थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। किंतु अब बालिका द्वारा आत्महत्या का कदम क्यों उठाया गया, यह अब भी राज बना हुआ है। पुलिस द्वारा इस राज पर से पर्दा हटाने की कोशिश जारी है। यवतमाल मारेगांव में एक 17 वर्षीय नाबालिग के साथ दोस्ती कर प्रेम संबंध बनाए गए और फिर उसे दोस्त के कमरे में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाते हुए वीडियो लिया गया। लड़की को जब वीडियो की बात पता चली तो दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद लड़की ने लड़की को वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इस बात की जानकारी घर वालों को लगते ही लोहारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद इस मामले में आरोपी और मित्र ऐसे दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच लोहारा पुलिस द्वारा शुरू है। यवतमाल के खंडी जंगल परिसर में अवैध तरीके से मुर्गा बाजार भरने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने इस परिसर में छापा मारते हुए दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। इस कार्रवाई में दो आरोपी फरार होकर गिरफ्तार हुए। दो आरोपियों के पास से 29,000 का मुद्देमाल जब्त किया गया है। ठाकरे वाड़ी अपार्टमेंट डुप्लेक्स बंगलो की एक कल्पना है जो साकार कर रही है ठाकरे बिल्डर्स। चंद्रपुर के नामांकित बिल्डर्स आपको 2 और 3 बेडरूम फ्लैट तथा डुप्लेक्स रो हाउस प्रदान करते हैं। ठाकरे वाड़ी में ये ए विंग है, ये बी विंग है, ये सी, डी और ई विंग है, ये क्लब हाउस है और ये 3 BHK डुप्लेक्स हाउसेस है। भव्य प्रवेश द्वार 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों से तैनात रहता है। ये क्लब के आगे आलिशान लॉन में आपको शाम के समय व्यतीत करने में काफी मजा आएगा। क्लब के चारों ओर जॉगिंग ट्रैक है। ठाकरे बाड़ी में जो एक क्लब हाउस है, उसमें आउटडोर की गेम्स के अलावा इंडोर गेम। ठाकरे बाड़ी में पार्किंग की काफी जगह मुहैया कराई गई है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी खास डिजाइन किया हुआ है। आइए और ठाकरे परिवार में शामिल हो जाइए। कृपया बुकिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अर्जुनी मोरगांव अंतर्गत प्रतापगढ़ निवासी मुनेश्वर लुटे को देवरी के खैरी जंगल में चाकू के नोक पर लूटने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जानकारी है कि 9 फरवरी को दोपहर मोटरसाइकिल से जा रहे इस व्यक्ति को खैरी जंगल क्षेत्र में रोककर चाकू के नोक पर गाड़ी से नीचे उतारते हुए पिटाई की गई और पेड़ से बांधकर उसके पास से 4,500 के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज और वाहन लेकर आरोपी फरार हुए। इस संबंध में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिए जाने की खबर है। गोंदिया के फुलचुर मार्ग पर स्थित एक होटल में प्रेमी युगल द्वारा जहर पीकर आत्महत्या कर लेने का मामला आया सामने। आकाश छेत्री उम्र 22 और रोहिणी पवार उम्र 21 ऐसा प्रेमी युगल का नाम बताया जा रहा है। होटल में पहुंचने के पश्चात आकाश द्वारा घर वालों को फोन पर आत्महत्या करने की खबर दी गई थी, जिसके बाद होटल में बेहोशी की हालत में पड़े दोनों को अस्पताल ले जाया गया, किंतु उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। चंद्रपुर में 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से 2 करोड़ रुपए जमा कर फरार हुए आरोपी को धर दबोचा गया। पंकज फुलझले ऐसा आरोपी का नाम है जो चंद्रपुर के गंजवाड़ का निवासी था। अपने परिवार के साथ फरार हुए इस आरोपी को मुंबई के पालघर से गिरफ्तार किए जाने की खबर है। एक
एक ही प्लॉट को दो बार बेचकर धोखाधड़ी करने वाले महिला और उसके साथी के खिलाफ कपिल नगर पुलिस थाने में दर्ज की गई शिकायत। आरोपियों में हंसापुरी निवासी 49 वर्षीय महिला तथा मोमिनपुरा निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति का समावेश है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत इन पर मामला दर्ज किया है और आगे की जांच पुलिस द्वारा शुरू है। तो ये थी आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। नमस्कार।